गोभी आलू का नाम सुनते ही दिमाग में सिर्फ सब्जी का ही ख्याल आता है। आज हम गोभी आलू से ना ही सब्जी बनाएंगे ना ही पराठे बनाएंगे, इससे बहुत ही बढ़िया सा नाश्ता बनाएंगे जो कि यूनिक है। इस नाश्ते की खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए आपको पहले से कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कुछ स्पेशल मसाले वगैरह लाने की ज़रूरत है। घर के रेगुलर मसालों का इस्तेमाल करके हम इस नाश्ते को बनाएंगे और बहुत ही जल्दी से यह नाश्ता बन जाता है। आप चाहें तो इस नाश्ते को मेहमानों को भी बनाकर खिला सकते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए फटाफट से इस टेस्टी से नाश्ते को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए एक पैन में हम डालेंगे 1 चम्मच के करीबन तेल और इसको गर्म कर लेते हैं। अब इस गर्म तेल के अंदर हम डालेंगे 1/2 चम्मच के करीबन राई और राई को अच्छी तरह से फूटने देते हैं। राई अच्छी तरह से फूट गई है, इसमें हम डाल देते हैं 1/2 चम्मच के करीबन सौंफ। इससे नाश्ते का फ्लेवर जो है वो बहुत ही बढ़िया आता है। हल्का सा इन्हें हम तेल में फ्राई होने देते हैं। फिर इसमें हम डाल देते हैं 1/2 चम्मच के करीबन जीरा। फिर इसमें हम डाल देंगे 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। थोड़ी देर के लिए इन्हें हम चलाते हुए पका लेंगे ताकि मिर्ची के अंदर का जो कच्चापन है वो चला जाए, और इसकी क्वांटिटी आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं जितना आपको इस नाश्ते को तीखा बनाना है। मिर्ची भी अच्छे से पक गई है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 कप के करीबन ग्रेट किया हुआ गोभी और साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 कच्चा आलू जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। तो आपको यहाँ पर ग्रेट इस तरह से करना है आलू को, एकदम ज़्यादा मोटा ग्रेट नहीं करिएगा नहीं तो उसे पकने में समय ज़्यादा लगेगा। और अच्छी तरह से मैंने इसे पानी से 2-3 बार वॉश कर लिया था। अब इन दोनों को हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे ताकि इनके अंदर का जो कच्चापन है वो चला जाए। हमने इन्हें ग्रेट करके लिया है, ये बहुत ही जल्दी से पक जाएंगे, पकने में ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लगेगा। तो मैंने इन्हें 3 से 4 मिनट के लिए पका लिया है। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। 1/4 चम्मच के करीबन डाल देंगे हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच के करीबन डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, 1/3 चम्मच के करीबन डाल देंगे नमक। नमक अब आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। आलू गोभी की आपने कई बार सब्जी बनाकर तो खाई होगी, आज हम इससे बहुत ही बढ़िया सा नाश्ता बनाने वाले हैं जो बनाने में भी इजी है और खाने में बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगता है। अब इसे हम ढक देते हैं और ढक करके लो फ्लेम पर हम 5 मिनट के लिए इसे पकने देंगे। 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से पक चुकी है। जो हमने आलू के लच्छे डाले थे वो भी बिल्कुल बढ़िया तरीके से पक चुके हैं और ये हल्की सी ड्राई भी हो गई है, आप देख सकते हैं। अब इस नाश्ते में चटपटा टेस्ट लाने के लिए इसमें हम डालेंगे 1/3 चम्मच के करीबन चाट मसाला। आप चाहें तो यहाँ पर आमचूर पाउडर या नींबू के रस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही बढ़िया सा चटपटा टेस्ट आता है इस नाश्ते में। फिर इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ, अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस को बंद कर देते हैं और इसे अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। अब मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप गेहूँ का आटा जो हर घर में अवेलेबल होता है, बहुत ही आसानी से मिल जाता है। घर में रखे सामानों से ही आज हम ये रेसिपी बना रहे हैं। इसे हम डाल लेते हैं 1 बाउल में। फिर इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच के करीबन नमक। अब मोयन के लिए इसमें हम डालेंगे तेल, तो कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं जो आप घर में खाने के लिए यूज़ करते हैं मस्टर्ड ऑयल को छोड़कर। तो 2 चम्मच के करीबन मैं यहाँ पर ऑयल डाल रही हूँ, इससे जो हमारा नाश्ता है वो बहुत ही खस्ता बनेगा और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। फिर 1/2 चम्मच के करीबन इसमें हम ऐड कर देंगे अजवाइन। अजवाइन से फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा इस नाश्ते का, तो इस तरह से क्रश करके डाल देंगे इसे हम। अब सारी सामग्री को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा लगाकर रेडी करेंगे। आटा एकदम ज़्यादा सख्त नहीं लगाना है और एकदम ज़्यादा नरम भी नहीं लगाना है, और नॉर्मल पानी से ही लगाना है आपको। आटा लगकर रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं इस तरह का आटा आपको लगाकर रेडी करना है। अब आटे को हम ढक करके 5 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देंगे ताकि जो आटा है वो अच्छी तरह से रेस्ट कर ले। अब एक कटोरी में हम डालेंगे 2 चम्मच के करीबन गेहूं का आटा, आप चाहे तो मैदा भी ले सकते हैं, और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम एक घोल तैयार करेंगे। तो इस तरह से आपको स्लरी बनानी है। 5 मिनट भी कंप्लीट हो चुके हैं, आटे ने भी अच्छी तरह से रेस्ट कर लिया है। आटे को एक बार हम इस तरह से मसल लेते हैं और मसल कर स्मूथ कर लेते हैं। अब इसमें से हम थोड़ा सा पोषण लेके इसकी एक लोई बनाएंगे और बाकी के आटे को हम ढक करके रख देते हैं। अब इस लोई को हम बेलेंगे, थोड़ा सा इसके ऊपर हम सूखा आटा लगा लेते हैं और इसे पूरी के शेप में हमें बेलना है। एकदम ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना है और एकदम ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना है। तो यहाँ पर मैंने इसे बेलकर रेडी कर लिया है। आप इसकी रोटी को थोड़ा पतला बेलेंगे तो बहुत ही बढ़िया नाश्ता बनेगा। अब जो हमने स्टफिंग बना के रखी थी ये अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है, इसे इसके अंदर हम फिल करेंगे। तो थोड़ी स्टफिंग लेंगे और इस तरह से इसके कॉर्नर के साइड में रखेंगे। अब जो हमने स्लरी बनाई थी इसके किनारे पर हम इस स्लरी को लगा देंगे, जिससे क्या होगा कि जब हम इसे क्लोज़ करेंगे तो ये बहुत ही ईजिली से क्लोज़ हो जाएगी।
अब इसे हम फोल्ड करेंगे इस तरह से, हल्के टाइट हाथों से आपको इसे फोल्ड करना है ताकि ये खुले नहीं। कॉर्नर पे भी इस तरह से हम स्लरी को लगा देते हैं। अब इस तरह से इसे हम कॉर्नर से उठाकर फोल्ड करते जाएंगे और रोल की तरह रेडी करेंगे। बहुत ही ईजीली से यह रोल बन जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इस रोल को बनाने के लिए। हल्के हाथों से इसे हम इस तरह से चिपका देंगे जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं ताकि ये खुले नहीं। तो ये लीजिए, बहुत ही बढ़िया से एक रोल बनकर रेडी हो चुका है। अब इस तरह से मैंने सारी पूड़ियाँ बनाकर इसके ऊपर स्टफिंग रख ली है। अब इसे मैं इस तरह से क्लोज कर दूँगी फटाफट से ताकि जो नाश्ता है बहुत ही जल्दी से बनकर तैयार हो जाएगा। सारे रोल बनकर रेडी हो चुके हैं। अब एक कढ़ाई में मैंने तेल डालकर पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था, तो तेल बिल्कुल बढ़िया तरीके से गर्म हो चुका है। अब जिस साइड से हमने ज्वाइंट किया था उस साइड्स को हम तेल में पहले डालेंगे ताकि ये जल्दी से फ्राई हो जाए और खुले नहीं। इन्हें फ्राई करने के लिए तेल एकदम ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और एकदम ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। अब जितने नाश्ते कढ़ाई में आ जाएंगे उतने हम कढ़ाई में डाल देंगे। अब इन्हें गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम अच्छी तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पर फ्राई बिल्कुल नहीं करेगा, नहीं तो ऊपर से फ्राई हो जाएंगे, अंदर से ये कच्चे रहेंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। इन्हें हम तेल से बाहर निकाल लेंगे और इसी तरह से सारे नाश्ते को फ्राई करेंगे। आलू गोभी से बने ये टेस्टी नाश्ते की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आई होप कि ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूले। फिर मिलेंगे एक टेस्टी सी नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग माई वीडियो।